सबसे सवालात शुरू करिए। फरा आप भी शामिल है मेरे उन सवालात में, ठीक है? ओके जी, पहला सवाल ये कि बारिश के मौसम में घर में बैठना या बाहर निकल जाना? यहाँ तुमने तो जवाब दे दिया कि मैं घर में बैठ जाती हूँ, है ना आमना? यही है। मरियम तुम क्या करती हो? आप क्या करते हैं? मैं कार इतनी दफा अपनी बर्बाद कर चुका हूँ बारिश के पानी में कि अब मैंने साइकिल ले ली, अब मैं साइकिल पे बात करूँ। फरा आप क्या करती है? बाहर निकलना, घर में कौन बैठेगा? हाँ, घर में कौन बैठेगा? ठीक है, गर्मी की बारिश या सर्दियों की बारिश? गर्मी की बारिश। मुश्किल सवाल है, दोनों बहुत अच्छी होती है, लेकिन गर्मियों के इसलिए क्योंकि गर्मी होती है और तो जरा वेदर चेंज हो जाता है, तो और नहा भी सकते हो आप इस बारिश में। रमीज, सर्दी की बारिश। वैसे वाकई सर्दी की बारिश बड़ी रोमांटिक होती है। अनोखी बात करनी है जो हम बात करेंगे, इन्होंने कहा है मैं कुछ डिफरेंट बात। मुझे गर्मी जरा ज्यादा लगती है, इसलिए मुझे खाने का सारा मजा और कपड़े पहनने का और बारिश का भी सब सर्दियों में आता है। सर्दियों में ये है कि खाना खाने का मजा और ये कपड़े पहनने का मजा बाकी सर्दियों में। देखिए आप इससे कितनी डिफरेंट बात कर दी। जी फरा, गर्मी की बारिश भी अच्छी लगती है क्योंकि बाहर जाते हैं, घूमने को दिल करता है। सर्दी की बारिश अपने घर में बारिश को देखने को दिल करता है, तो दोनों बारिश। अच्छा, वाह भाई, ये तो बारिश कभी कभार थोड़ी सी अपसेट और थोड़ी सी यू नो खामोशी सी हो जाती है और आपको थोड़ा सा अफसरदा कर देती है। वही तो रम्ज है उसमें। अच्छा, मुझे कोई गम नहीं पालना जिंदगी। अरे रम्ज मैंने बोला है, गम नहीं बोला, रम्ज लड़की है। अच्छा, बारिश में खास के बारिश के पकवान खाना या घर में जो भी पकाओ खा ले, बस वो बारिश इंजॉय करनी, उससे खाने का कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, बारिश में आलू गोश्त कहाँ चलता है मुंह में? ये वाले फिर नहीं, फिर कुछ अलग हो, कुछ क्या होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ एक तो वो देसी पकौड़े तो जो होते हैं वो सब, वो थोड़े बर्गर भी हो गए, कजन या बहन बना ले तो वो थोड़े अलग इंग्लिश हो जाते हैं। फिर उसके बाद अम्मा वो बना लेती हैं पटूरे टाइप की चीज, इसको पटूरे वो पूरी का थोड़ा सा छोटा साइज होता है। अच्छा, थोड़ा क्रंची होता है। अच्छा, थोड़ा क्रिस्पी होता है। अच्छा, ये कोई नई चीज है पटूरे? नहीं, एक्चुअली नई नहीं है, ये कचोरी से थोड़े से बड़े होते हैं और पूरी से थोड़े से छोटे होते हैं। नहीं, पंजाब के पटूरे डिफरेंट है, यहाँ के कचोरी टाइप पटूरे, आई एम टेलिंग यू, दोनों में डिफरेंट। पंजाब के पटूरे कैसे होते हैं? आपने वो खाई हलवा पूरी? हाँ, तो वो छोटी पूरी होती है और उसके अंदर दाल होती है। मालपूरी कहते हैं पटूरे, और उसको हम अचार और चनों के साथ खाते हैं। तो तुम किसी और पंजाब से आई नहीं। अच्छा, मजे की बात है, लाहौर में बड़े मजे की चीज है कि वहाँ समोसे भी चने के साथ मिलते हैं। अच्छा, ये भाई वो क्रेजी कॉम्बो है, वो बहुत मजे का। मतलब अच्छा, इसका मतलब पंजाब में चने बहुत खाए जाते हैं, मुझे लगता है। नाश्ते में भी पंजाबी जो खाने को मिलते हो कहेंगे दे दो यार। नहीं, लेकिन चने तो ताकत वाली चीज है, फुल प्रोटीन है चने तो। तुमने भी इस बात का जवाब नहीं दिया, तुम क्या बारिश के उसपे स्पेशल खाने बनवाती हो? या मैं बहुत ओबीडियंस सा बच्चा हूँ, जो भी बनाओ खा रहे। नखरे नहीं कोई खाने पीने में, नाम बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बारिश को देख के भी अपने काम करते रहना या फिर मुलतवी कर देना किसी बहाने से? जी जी, मुलतवी कर देना बिल्कुल। हाँ, काम छोड़ू मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा, यार बस बहाना मिला काम से जान छोड़ दे। हाँ, पर आपका क्या हाल है? अगर घर के काम हो किचन के तो वो तो कर लेते, लेकिन बाहर तो सारे के सारे कैंसिल कैंसिल कैंसिल। हाँ भाई आमना, बारिश आमना कहीं खोई भी है बारिश में, सोचती होगी बारिश में, बस बारिश में अपने काम जारी रखना या मुलतवी करा देना? मुलतवी करवाएंगे ये सब। तो आपका भी यही हाल है? नहीं, शूट्स पे तो टाइम मिल जाता है एंजॉय करने का। हाँ, एक आध कॉफी का कप लेके बालकनी में खड़े हो गए, बस इतना ही होता है। हाँ, हमने कौन सा बनियान पहन के टायर घुमाने के लिए इतना ही एंजॉयमेंट बहुत है। हाँ, कॉफी पी ली, बस अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा काम पे लग गया। अच्छा, बारिश में नहाना या खिड़की से बस बैठ के देखना? मतलब मैं जवाब दे चुकी हूँ। हाँ, तुम खिड़की वाली हो। अच्छा, पता है मेरे साथ जिंदगी में चीजें चेंज हुई हैं। पहले मैं जो हूँ नहाने वाली होती थी बारिश में, और अब पता नहीं मुझे होता है मैं खिड़की से बैठ के देखूँ। बुढ़ापा आ गया, आई डोंट नो क्या हो गया, लेकिन मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। कभी मूड होता है कि बारिश में जाओ कूद पड़ो बस एक्सट्रीम, सुबह से लेकर शाम तक जब तक बारिश हो रही है। लेकिन कभी होता है कि नहीं यार, वो चिप 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 जो कपड़े चिपकते हैं ना, वो उलझन दे हो जाते हैं, उनको चेंज करना। हाँ, बस ऐसा है, मूड पर डिपेंड करता है। मूड पर। पर आप पहले आपकी तरह ही हूँ मैं। हाँ, पहले जो वो एंजॉय करती थी, लेकिन अब इतने सारी उलझन दिमाग में चल रही होती है। हाँ, देखो बस खामोशी से देखो, वही ज्यादा अच्छा है। आप दोनों चीजों का अपना मजा है, वो आपके मूड पे क्या डिपेंड, उस वक्त आपका मूड कैसा है। बाज दफा हल्ला गुल्ला करने में ज्यादा मजा आता है नहाने में, और बाज दफा आप बैठ के सिर्फ देखें, वो भी एक अच्छा एंजॉयमेंट। कोई फंसा है बारिश में आज तक? कोई बहुत। हाँ, मैं 8 घंटे फंसी हूँ। मैं भी फंसी हूँ 8 घंटे।
तुम कैसे फंसी हो आमना? मैं यही थी लास्ट ईद को और मुझे घर जाना था लाहौर, तो मेरी फ्लाइट थी CIS से और सुबह 12 बजे की फ्लाइट थी और पानी यहाँ यहाँ तक था। अच्छा। और मैं बार बार कॉल कर रही हूँ कि फ्लाइट कैंसिल होगी, फ्लाइट कैंसिल होगी, और वैसे नहीं नहीं फ्लाइट तो कैंसिल नहीं हुई, फ्लाइट तो ऑन टाइम है, आप पहुँचे, आप पहुँचे। और फिर मैं कैसे पहुँची हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मेरी एक फ्रेंड की गाड़ी ख़राब हो गई, फिर मैंने वहाँ से लिफ्ट ली, कोई ऊँची गाड़ी वाले थे, उनसे कहा प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा आगे छोड़ दें, वहाँ से क्रीम करवाई, वहाँ से इतना इतना डूबते हुए गई, मेरा पूरा बैग जो हैंड कैरी था वो सब कपड़े भीग गए, उसमें स्पीकर था, सब कुछ खराब हो गया। और फिर मैं जब घर पहुंची तो 4 घंटे नहाई क्योंकि वो सारे यार क्या वो तुम पिछली ईद की बात कर रही हो, हम भी पिछली ईद पर एयरपोर्ट जा रहे थे, हमें ग्रीस जाना था मुझे यासिर को, और हमारा भी यही हाल था, शुक्र है हमारी गाड़ी ऊंची थी, पानी भरा हमारी गाड़ी में, वो हमने चौकड़ी मार के सीट पे बैठ गए, पानी भरा हमारी गाड़ी में, लेकिन वो उस गाड़ी ने हमें पहुंचा तो दिया, एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया। अगली दफा कॉन्टेक्ट कर लेना गाड़ी, मैं तो करूंगी भाई, मैंने सीट पर जाना। अच्छा, है अच्छा, एक चीज ये भी है कराची में, जैसे क्योंकि मैं तो कराची आई टी हूँ, पैदा हूँ, सब पता, तो मुझे वो रूट पता है कि जिन पे पानी कम जमा। अच्छा, ऐसा कोई रूट नहीं है जो बारिश में, ये सही बारिश में कोई पिछले साल वाला, बिल्कुल वैसे तो ज्यादातर ऐसे ही है, लेकिन कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन पे एस कंपेयर्ड, या अंदर गलियों की बात कर रहे हो, वैसे से पूछ लेंगे ना बात। मैं आपको ऐसे रास्ते दिखाऊंगा कि आप गोली गोली जाएंगे। हाँ, आप फंसी हो कभी? मैं बारिश की वजह से यहाँ फंस गई थी, शूट पर थी मैं, और मैंने नई नई गाड़ी ली थी उससे कुछ 3-4 दिन पहले ही। अच्छा, तो मैं नई नई गाड़ी के चक्कर में मैंने कहा आज मैं शूट पे खुद ही आऊंगी। हाँ। ठीक है, मैं लेकर चले कि रास्ते में बारिश हो गई, वो एरिया ऐसा था, मैंने उनसे कहा कि आप कैंसिल कर दे क्योंकि वापस नहीं आ जाएगा, नहीं आज आ जाए, मैं वापस गई, वो अंडर पास था उसके अंदर इतना इतना पानी खड़ा हो गया। नाउ देवर लाइक गोना टेक लाइक 5 से 6 घंटे तो लगेंगे, वो आएंगे पानी निकालेंगे, आप जाएं आप खड़ी रहें, अब इतनी ट्रैफिक, आदमी आदमी वहाँ पर पूरी सड़क पे मुझे लगा। अच्छा, 2 गाड़ियाँ निकली, 3 निकली, उन्होंने कहा निकाल लें आप भी, मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी थी, मैंने कहा चलो ये मेरी जैसी गाड़ी है निकली मेरी भी निकल जाएगी। वो निकाली है लेकिन पूरी गाड़ी में पानी ही पानी भर गया था, अगर मैं वहाँ से ना निकलती तो वो 8 घंटे या यू नेवर नो कब तक खड़े रहना पड़ता। ओए ओए, शुक्र है, मैं तो कहती मेरी गाड़ी नहीं खराब हुई, रिस्क लिया था, वो एक रिस्क था। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे एक और गेस्ट जो जिनकी गाड़ी रस्ते में खराब हो गई थी, हालांकि अभी बारिश नहीं शुरू हुई मगर फिर भी उनकी गाड़ी खराब हो गई तो इसलिए वो लेट हो गए, एक छोटे से ब्रेक के बाद वो आएंगे और फिर हम बहुत सारे मस्तियां करेंगे, बारिश के बगैर मस्तियां होंगी, सिर्फ बारिश का जिक्र होगा और फन होगा। यहाँ अभी हमारे साथ रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।